And my well wishes. Today I'm going to give you a very important information about your English knowledge. I've seen a video in the YouTube just before sometimes, and there is a very brilliant idea came to my mind suddenly that yes, I can help you all through this particular phase. If someone wants to learn English, अगर कोई English सीखना चाहता है तो वो मुझे contact करे. मैं अपना contact number दे रहा हूँ यहाँ पे WhatsApp. मैं आप लोगों को बताऊँगा कि English सीखने के लिए क्या क्या steps आप लोगों को follow करने पड़ेंगे. मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि English आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आप बोलना चाहते हैं, आप express करना चाहते हैं, आप narrate करना चाहते हैं अपने खुद के sentences, लेकिन आप कर नहीं पा रहे और उसकी वजह से आपको embarrass होना पड़ रहा है, कहीं कहीं पे साए फील करना पड़ रहा है. एक्चुअली इंग्लिश इज जस्ट नॉट अ लैंग्वेज इन नाउ डेज. द मैटर बिकम्स वेरी मच सीरियस विद द पीपल हु कैन नॉट एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन इंग्लिश, एंड इंग्लिश बिकम्स अ वेरी क्रिटिकल रिक्वायरमेंट नाउ डेज. तो उन लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया. अगर आप लोगों को सच में इंग्लिश एक प्रोफेशनल तरीके से जानना है और इंग्लिश में आप खुद को अच्छी तरीके से एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपने सेंटेंसेस खुद नैरेट करना चाहते हैं, तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा अपना और उसमें व्हाट्सअप होगा. एक्चुअली आप सिर्फ व्हाट्सअप करेंगे मुझे, मैं आपको टेक्निक बताऊंगा और मैं यूट्यूब में भी क्लास करूंगा कैसे इंग्लिश को हम अंडरस्टैंड करके कैसे अपना खुद का सेंटेंस. एक्चुअली फॉल्ट ये रह रहा है, जितने सारे यूट्यूब चैनल्स आप देखेंगे जो भी सिखा रहे हैं इंग्लिश, वो डायरेक्टली वर्ड से स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम वर्ड का नहीं है. वर्ड से कोई मतलब ही नहीं है. आप जितना वर्ड सीखें, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, वहीं पे रह जाएंगे और वहीं पे रह जा रहे हैं. तो वो मैंने रिसर्च किया है, खुद एनालाइज किया है. अगर किसी को इंग्लिश एक्चुअली में सीखना है तो दिस इज़ नॉट द वे टू लर्न इंग्लिश. यू नीड टू एक्सप्रेस इंग्लिश थ्रू फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस. सो मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा हाउ टू कन्वर्ट दोज वर्ड्स इनटू फ्रेजेस एंड देन द फ्रेजेस विल बी कन्वर्टेड इनटू सेंटेंसेस. उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है वो मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊँगा. आई एम अ इंग्लिश टीचर. देर इज़ यहाँ पर देखिए मैंने ग्रामेटिकल मिस्टेक किया. जिसको समझ में आ गया होगा उसको आ गया होगा. मैंने बोला आई एम ए इंग्लिश टीचर, वो एक्चुअली आई एम एन इंग्लिश टीचर. तो ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें हैं प्रैक्टिकल और बहुत ही कॉमन सी चीज़ें हैं इंग्लिश में जो हमें फॉलो करने हैं, वो मैं बताऊंगा. ग्रामेटिकल चीज़ें, स्पोकन इंग्लिश की चीज़ें मैं अपने कॉन्टैक्ट में दे रहा हूँ, अपने इस पर्टिकुलर वीडियो में दे रहा हूँ. और आप लोगों का को रिक्वेस्ट है, अगर कोई जानना चाहता है इंग्लिश को और थोड़ा सा बेहतर पढ़ना चाहता है और थोड़ा बेहतर अपने खुद के सेंटेंसेस बोल, बहुत ही कम टाइम में आप लोग सीख सकते हैं, बहुत ही कम टाइम में आप लोग जान सकते हैं, व्हाई नॉट ट्राइंग इट. मैं अगर होता तो मैं ज़रूर चॉइस करता, क्योंकि मुझे पता है मैं कैसे पढ़ाता हूँ इंग्लिश बच्चों को. और वर्ड को फ्रेज करना और फ्रेज को फिर सेंटेंस में कन्वर्ट करना, ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है. इट कैन बी अचीवेबल बाय ए पर्टिकुलर पर्सन. सो होप यू ऑल विल डेफिनेटली, द पर्सन्स हु आर रियली इंटरेस्टेड टू से इंग्लिश, टू लर्न इंग्लिश, दे विल डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी थ्रू माई व्हाट्सएप नंबर एंड आई विल डेफिनेटली गिव इट टू यू. थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे. गॉड ब्लेस यू.